पूर्णमासी के मौके पर शाम के समय व्यास नदी के तट पर व्यास आरती का आयोजन किया जाता है। व्यास आरती के मौके पर एसपी मंडी गुरुदेव शर्मा ने शिरकत की और एसपी मंडी ने सभी लोगों के साथ मिलकर व्यास नदी के तट पर विधिवत रूप से व्यास पूजन कर व्यास आरती की। इस मौके पर एसपी मंडी ने कहा कि उन्हें व्यास आरती में आने का मौका मिला है, जिसके लिए वे सभी का धन्यवाद करते हैं। आज मुझे यहाँ पे एकादश रुद्राक्ष महाराज के यहाँ पे दर्शन करने का मौका मिला है, तो मैं इस मंदिर की मैनेजमेंट का भारी हूँ कि इन्होंने मुझे इस शुभ मौके पे आमंत्रित किया है और जो व्यास आरती है उसमें शामिल होने का मौका दिया है और मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं इनका मैनेजमेंट का सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने का मौका दिया। वहीं आरती में आए श्रद्धालुओं ने बताया कि प्रतिमा पूर्णमासी के पावन मौके पर एकादश रुद्र मंदिर द्वारा व्यास आरती का आयोजन किया जाता है। व्यास आरती की शुरुआत करीब 1.5 वर्ष पहले की गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली मर्तबा मंडी आए थे, तब से लेकर आज तक व्यास आरती का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी भी अपना समय निकालकर आरती में शामिल होते रहे हैं। पूर्णवासी के इस पावन दिवस पर अपना एकादश रुद्र मंदिर, इसके पुजारी स्वामी सत सुंदरम जी हर माह इस पूर्णवासी के दिन व्यास आरती का आयोजन करते हैं। इस व्यास आरती का आयोजन अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिस दिन मंडी उनका सुबह गमन हुआ था 1.5 वर्ष पूर्व, तब से इस आरती का शुभारम्भ हुआ था और उसके बाद प्रतिमाह पूर्णमासी के दिन यह उत्सव बड़े उल्लास के साथ और धार्मिक मान्यताओं का आधार मान करके नगर के बहुत से लोग इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और हमारे कई प्रशासनिक अधिकारी भी प्रतिमाह अपना समय निकाल करके इस पावन उत्सव की शोभा को बढ़ाते हैं। इसी तरह से ये आपस में इस उत्सव को जब हम मनाते हैं तो आपस में आत्मीयता का भाव और भाईचारे का भाव और धार्मिक नगरी जो हमारी छोटी काशी मंडी के नाम से जाना जाता है उसका भी महत्व बहुत बढ़ जाता है।